नमस्कार, खबर अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि जस्टिस कृष्णा मुरारी जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के। जी हां, जस्टिस कृष्णा मुरारी मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं मुरारी। तो बड़ी खबर आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जस्टिस फिलहाल हैं कृष्णा मुरारी और अब 3 मई को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश एस जे वजीफदार जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद जो है कृष्णा मुरारी के मुख्य न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बनने के जो आसार हैं बहुत ज़्यादा हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुरारी ही अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के। जी हां, मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं मुरारी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस हैं कृष्णा मुरारी और अभी जो मौजूदा न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, वो 3 मई को रिटायर हो रहे हैं। उनका नाम एस जी वजीफदार है, जिनकी रिटायरमेंट के बाद खबर है कि मुरारी जो हैं मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल सकते हैं। इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से कुमार रमेश। कुमार, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जी एस वजीफ दास, वो रिटायर हो रहे हैं और अब उनकी जगह जो है मई में खाली हो रही है, उनकी जगह अपनी नियुक्ति हो गई है, जिसमें दूसरा बताते हैं कि मुरारी का जो नाम आगे आ रहा है और वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अभी 28 उसके होने बाकी है, सूत्रों के हवाले से जल्द ही उनके नाम की घोषणा की जा सकती है और ये माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये न्यायाधीश रहे हैं और उसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जो है मुख्य जस्टिस की कार्यभार संभालेंगे। जी कुमार रमेश, तो सबसे ज्यादा जो चर्चा में नाम है वो कृष्णा मुरारी जी का है, तो क्या कोई और नाम भी चर्चा में है? देखिए, अभी सबसे जो प्रथम नाम आया है वो कृष्ण मुरारी का नाम आया है और जाहिर तौर पर जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक इनके नामों पर और भी चर्चा हो सकती है, लेकिन प्रारंभिक जो चर्चाएं हैं वो कृष्ण मुरारी जी के नाम से ही चल रही है और ये माना जा रहा है कि कृष्ण मुरारी जी का जो है लगभग बनना तय है, लेकिन अभी ये सूत्रों के हवाले से है। आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है, सूत्रों के हवाले से खबर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुमार रमेश। तो जस्टिस जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं कृष्णा मुरारी, वो अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के। हालांकि आपको फिर से बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी तक कोई आधिकारिक जो घोषणा है आधिकारिक ऐलान इस बात का नहीं हुआ है, लेकिन 3 मई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वजीफदार वो रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ, एस जी वजीफदार जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा में इस वक्त नाम है और कयास लगाए जा रहे हैं वो यही कि आने वाले समय में जो नए मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वो जस्टिस कृष्णा मुरारी हैं। फिलहाल जो हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं बतौर जस्टिस।